मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। हेलो दिलावर साहब, क्या हाल है? बड़े दिनों के बाद फोन किया आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। जी जी, हुक्म करें हुक्म करें, क्या काम है? एक्चुअली मैं बहुत अरसे से ना कोई फलाही काम करने के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि खवातीन की कोई एनजीओ बनाई जाए। अच्छा, तो इस सिलसिले में मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? आपको तो अंदाजा है कि हमारे मुल्क में औरतों पे कितने मजालिम होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप भी एक औरत हैं, कभी ना कभी आपके भी शौहर ने कोई ना कोई जुल्म तो किया होगा ना आप पे भी। है? जी जी जी, ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा कई दफा हुआ है। बस तो फिर आप काम शुरू करें, ऐसी मजलूम खवातीन ढूंढें जिनको हमारी जरूरत हो, तो फिर इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। चले ठीक है, मैं काम शुरू करती हूँ। बाकी मैं जल्द आ रहा हूँ, इंशाल्लाह फंड्स भी आपको दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। जी जी ठीक है, बहुत बेहतर, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। जी अच्छा ठीक है। पता नहीं अभी ये नया कौन सा मामला है, समझ नहीं आई। लड्डू गुलाम इधर आओ भाई। भाई आप तीनों मेरी एक बात गौर से सुन लें। जी 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 जी। दिलावर साहब का फोन आया था। कौन दिलावर? एक सेकंड, मेरा सवाल है ये, मैं खुद पूछूंगा। कौन दिलावर भाई? अरे भाई हमारे बिजनेस के एक इन्वेस्टर हैं। हाँ तो हम क्या करें? तो बात ये है कि उन्होंने एक फलाही तंजीम बनानी है। हाँ तो बनाएं, हम कब रोक रहे हैं भाई है? अरे भाई मुझको बनाने को कहा है। अरे वाह मामा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी ये फलाही काम है। हाँ लेकिन तंजीम किस चीज की बनेगी? हाँ औरतों के हकूक की। हाँ। बेगम आपको अपने घर का माहौल देखते हुए महसूस होता है कि इस घर में औरतों के हकूक के लिए मजीद काम होना चाहिए? ओहो गुलाम, अपने घर में थोड़ा ही करना है हमने ये काम। लेकिन मम्मी जी हमें करना क्या होगा? आप लोग तो कुछ ऐसी औरतें ढूंढ लें जिन पर बहुत जुल्म होते हो। हम कहाँ से ढूंढें? हम तो उन औरतों को जानते हैं जो सिर्फ जुल्म करना जानती हैं। गुलाम ससुर जी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मम्मी जी मामा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं ढूंढ। अरे नहीं हनी, तुम अकेले ये काम कर ही नहीं सकती। हाँ बेगम आप अपनी सहेलियों को बुला लें। हाँ ये ठीक रहेगा, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मिलकर ये काम करेंगे। लेकिन बेगम वो बस बस लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अरे और काम ही क्या आप लोगों के पास? अरे मामा आप आराम से जाएं, ठीक है हम सब मिलके ये काम कर लेंगे पक्का। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, जब वापस आऊँ तो ये सब काम हो चुके होने चाहिए। सुन लिया ना कान खोल के? जी बेगम जी। जी मम्मी जी। जी बेगम जी। ये ले ससुर जी। अरे काम शुरू करें। अबे यार कर तो रहा हूँ यार, खाना पका तो रहा हूँ मैं। ये वाला काम नहीं ससुर जी, वो काम जो मम्मी जी ने कहा है। अबे यार देखो एक बात मेरी कान खोल के सुनो लड्डू, मैं जबर का साथ नहीं दे सकता, नहीं। ये हंस क्यों रहा भाई? हंस इसलिए रहा हूँ कि हमारी राय किसी ने नहीं मांगी, हुक्म सादिर हुआ है हम पे। हाँ यार क्या है, तो तुम ठीक रहे हो यार बिल्कुल। तो फिर चले आज। अच्छा चलो, लेकिन एक बात करना क्या होगा हमें? पहले चलते मोहल्ले में, चल के लोगों को बताते क्या करने वाले हैं। देखो एक बात सुन लो, मेरे हिसाब किताब से ये मोहल्ले में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपनी बेगम पे जुल्म करता हो। अरे ससुर जी आपको इस काम को इतना संजीदा लेने की जरूरत क्या है, जितना कहा गया है करके अपनी जान छुड़ाएं। हाँ यार ये सही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा। ससुर जी छोड़े ना इस काम को, क्या करना चले। चलो ठीक है, अच्छा वो हनी को तो बुला लो यार। नहीं हनी को नहीं, हनी फोन पे अपना काम अच्छे से कर रही है। ओहो फोन पे, अच्छा चले चले आ जाए। एक लौकी, अच्छा चलो ठीक आगे चढ़ा लेंगे। कहाँ रह गई, इतना टाइम कौन लगाता है, बस वेट करती रहूंगी मैं। जी आप कौन? जी मेरा नाम शन्नो है। हाँ तो ठीक है आप जो भी हैं शन्नो बनो, यहाँ कैसे घुस के आ गई? अरे मेरी आपसे बात हुई थी फोन पर औरतों के हकूक के बारे में। अरे तो वो हैं आप, ऐसा बताइए ना, आइए आइए बैठिए।
देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर आपको इतनी संजीदा बात करनी थी तो आप इस बच्चे को लेके क्यों आ गई? एक्सक्यूज मी, ये बच्चा नहीं है, ये मेरे शौहर है। ये आपके शौहर है? लड्डू आ जा यार। अल्लाह तुझा पाला बेबी कुछ कुछ। अरे वाह यार, ओले शोनो मेला शोनो, ओले पाला पाला मेला बेटा, मेला बेटा, ओले कुछ कुछ, ओले मेला पप्पू पप्पू पप्पू। अरे भैया सुनो बेटे, बड़ों में नहीं बैठते, बुरी बात है ना। आओ यहाँ बैठो, शाबाश शाबाश, मेरे बराबर में बैठो। भैया बच्चा किसका है? ये बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं कहते, बच्चे तो मासूम होते हैं। हाँ भाई। अब पापा लड्डू, ये इनके शौहर है। शौहर इनके? अब मगर ये आई क्यों है? अरे ये वो औरतों के हकूक के लिए। यार बात तो सच है भाई, ये जुल्म हुआ है आपके साथ, आपकी शादी इनके साथ नहीं होनी चाहिए। अरे मैं अच्छा खासा लंबा होता था और मैं हसीन और खूबसूरत था, जहाँ से भी गुजरता था लोग कहते थे वो जाना जावेद शेख, वो जाना जावेद शेख। इसमें से तो आवाज भी आती है। बासुन भाई आप छोड़िए, जितनी मर्जी आए छोड़िए, लेकिन कम से कम हमारे पकड़ में तो आ जाए। मैं अच्छा खासा हैंडसम और नौजवान होता था, लेकिन इनकी फरमाइशों की वजह से मैं काम कर 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 घिस गया हूँ। जुल्म हुआ है? हाँ भाई बहुत जुल्म हुआ इनके साथ ये। पापा लड्डू, मैंने इनको बुलाया इनसे बात करने के लिए, आप लोग की कहानी सुनने के लिए नहीं। देखिए ना कितना जुल्म है मुझ पर, मैं इतने छोटे से आदमी के साथ कैसे रहूंगी। हद है, मजलूम तो मुझे ये लग रहा है भाई। मुझे नहीं पता, मुझे इंसाफ चाहिए और आप जालिम मर्द लोग उल्टा इसी की साइड ले रहे हैं। किस बात का इंसाफ चाहिए आपको? साबुत बंदा घिस के आधा कर दिया आपने काम करवा करवा के। लड्डू चुप कर जाओ, बल्कि तुम एक काम करो, अब तुम जाओ और तुम मेरे लिए चाय बना के ले करो, और पापा आप ऐसे जाओ। मैं भी जाए। चल चल भाई लड्डू चल, मैं इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, आजा चल यार। चल अब रास्ता तो दे दे जावेद शेख साहब, यही हरकतें कर करके घिस गया ये। हट बे। अबे अबे अरे इनकी कंप्लेंट तो मैं मीडिया में करूंगी। सीधे बैठाओ। कैमरा हमारा सेट है ना? जी नाजिम, इस वक्त हम लोग मौजूद है उन जालिमों के घर के बाहर, जहाँ की औरतों ने मर्दों के खिलाफ आवाज उठाई है। ओ भाई ओ भाई ओ ओ ओ भाई ओ ओ। आप देख सकते हैं नाजिम किस तरह ये इंसान हम पर भी अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए खातून आप गलत समझ रही हैं। गलत और सही का फैसला आप नहीं, ये आवाम करेगी। अरे तो ये अदालतें बंद करवा दे फिर आप। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे यार ये जालिम समझ रही है हमें, आप किस तरह बदमाशी कर रहे हैं? जब ये इस तरह बदमाशी कर सकते कैमरे के सामने तो घर में क्या जुर्म डालते होंगे। ओ बीबी चलो चलो निकलो यहाँ से। ओए बंद करिए कैमरा, मैंने मार के तेरा कैमरा तोड़। बंद कर, चलो बीबी कहीं और जाके बैठो चूरन। चलो चलो आगे बढ़ो, चलो नजर नहीं आना। आप देख रहे हैं किस तरह ये लोग कर रहे हैं बदमाशी कैमरे के सामने। चले आए सुशील जी, कैप्चर करें, पूरा कैप्चर करें, कैप्चर करें। चल ना चल चल चल। जी नाज़िम जैसा कि आपने देखा कि किस तरह हमने इन जालिमों की असलियत आपके सामने दिखाई है, मैं हूँ आपकी रिपोर्टर निशा खान, देखते रहिए मुझे। जी हाँ तो बताइए आपकी क्या कंप्लेन है? देखिए जी मुझ पर कुछ दिन पहले इन्होंने गुस्से में पानी फेंक दिया था। तो क्या पानी की जगह अगर तेजाब होता तो? है? ये होता तो की क्या बात है? बात ही यही है। अरे भाई मैंने तो पानी भी नहीं फेंका। फिर? अरे भाई गलती से मैं खड़े होके पानी की बोतल खोल रहा था और ये सोफे पे बैठी हुई थी, गलती से दो चार बूंदे पानी की इनके ऊपर गिर गई। एक गलती की इतनी बड़ी सजा? मेरा सवाल वही है, अगर उस बोतल में तेजाब होता तो? अरे भाई पानी की बोतल में तेजाब कैसे होगा और कौन डालेगा? रहने दें,
आजकल कौन सी बोतल में पानी है, कौन सी बोतल में शहद है, कुछ पता नहीं चलता। तो इसी तरह तेजाब भी हो सकता था। देखे देखे, ये खुद मफरूजगी जो है ना, तमाम गड़बड़ घोटाले की माँ होती है। हाँ, माँ से याद आया, इस शख्स की माँ ने भी मुझे दो दफा चलाने की कोशिश की थी। हाँ? क्या क्या क्या, वो कैसे? देखिए, ये अगर बात है तो फिर तो ये तो यार, ये तो बहुत ही बुरी बात है भाई। अच्छा अच्छा, जलाने की कैसे कोशिश की? एक दफा इनकी दूसरी शादी की बात करके, और दूसरी दफा मेरे सामने नया जोड़ा पहन कर आ गई। बताओ। देख लें, अरे आप ही लोग कुछ बोले ना। अरे भाई, अगर हम बोलने सुनने वाले होते तो हमारी ये हालत होती? जो हाल आपका है वही हाल हमारा है। मुझे नहीं पता, मुझ पर जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। एक सेकंड, आपको कोई और काम नहीं है दुनिया में? नहीं है कोई भी काम इनके पास, बस यही काम है। आप चुप करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, आपने मुझे अपनी कंप्लेन लिखवा दीजिए, इंशाल्लाह हम आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। लेकिन हनी, मेरी बात सुने आप। लड्डू, तुम चुप हो जाओ। लड्डू, इस शख्स को, बेचारे शोहर को बाहर लेके चलते हैं हवा में। हाँ, आप ना, आप हमारे साथ बाहर चले आ जाए। क्यों, कहाँ लेके जा रहे हो? गम बांटने के लिए। आज आप इनकी कंप्लेन लिखे ना, लिखे कंप्लेन। लड्डू, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, मेरा मर्द भी ऐसे ही है। को बाहर निकालो, बाहर निकालो लड्डू गुलाम को, बाहर निकालो। काय की आवाज है, क्या का शोर है ये? झमगट्टा लगा हुआ बाहर। हाँ जी भाई, ससुर जी तो हमारे दरवाजे पे खड़े होके हमारे खिलाफ नारेबाजी करे, गुलाम को बाहर निकालो, लड्डू को बाहर निकालो। क्यों भाई, क्यों ऐसा, हमने क्या कर दिया यार? अरे वो मीडिया वाली बंदी नहीं थी? हाँ, वो जिसको हम लोगों ने धक्के धक्के निकाला था। वही बाहर खड़ी है। यार वो भी खड़ी है यार, अब क्या करें यार, अब क्या करें भाई, आप बताएं अब क्या करें। मैं, मेरा ख्याल ऐसा करते खुदकुशी कर लेते हम दोनों। खुदकुशी? हाँ। और तू होगी कि डर के मारे खुदकुशी कर ली? यार ये तानी बेगम ने हमें कहाँ बता दिया यार? मुझे मेरे अब्बा ने। अब्बा ने क्या मतलब? मुझे तो घर में बेच के मेरा दाग लग रहा है। हाँ। अब क्यों? अबे आहिस्ता रहो यार, ये तानी बेगम सुन लेगी यार। देख बात सुनो, यहाँ अंदर जाएंगे तो यहाँ से हमारी धुनाई होगी। परसों रात मेरे शोहर को बारात की रात ही किसी ने अगवा कर लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो अभी तक लापता है, उनको कुछ पता नहीं चला है। अरे तो फिर आप यहाँ क्यों आ गई? आपको तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ना। पुलिस यानी मर्द? नहीं, यहाँ एक लड़की पे जुल्म हुआ है, आप लोग ही मेरा दुख, गम और खुदसा समझेंगे। अरे बीबी, आपको चाहिए कि आप पहले अपने होने वाले शोहर का पता लगाएं। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। नहीं, ये गलत बात है, मेरी शादी रुक गई, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, वो जालिम मुझे छोड़ के अगवा हो गया। मगर वो बेचारा तो मजलूम हुआ ना। नहीं, मजलूम अभी भी एक औरत ही है, उनका क्या है, वो तो मजे से अगवा हो गए। जी, मजे से अगवा हो गए और क्या। पर यहाँ एक औरत अपने सुहाग की तलाश में बैठी रह गई, किसी ने ये नहीं सोचा कि उसका क्या होगा, समाज ने ये नहीं सोचा कि वो मर्द तो अगवा होके आराम से कहीं हमदर्दियाँ ले रहा होगा, लेकिन इस औरत का क्या होगा? यार मैं इस औरत का गला घोट दूंगा। अरे क्या करें ससुर जी, पहले ही हमारे खिलाफ घर के बाहर मोर्चा बना हुआ है, अगर कत्ल कर दिया तो पर्चा भी कट जाएगा। यार इसी डर से तो आगे नहीं जा रहा हूँ मैं, तरीके से बात। नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। तरीके से बात कर, बात सुने, अपनी बात लिखवाओ यहाँ पर और जाओ यहाँ से बस। और बात सुने, जब हमारी एनजीओ काम करना शुरू करेगी ना, हम खुद आपसे फोन पे रابطہ करेंगे, अभी आप जाएं। जाएं बस, जाएं। ठीक है। मगर पापा लड्डू, हम शिकायत में लिखेंगे क्या? यही कि आइंदा अगर ऐसा हुआ तो लोग मर्द के बजाय इस लड़की को सहारा देंगे। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हैं, ये सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये औरत बिल्कुल, मैं सुबह से सुनता आ रहा हूँ, हर औरत आके यही कह रही है। अरे आप तो अभी सुन रही है ना। अरे मम्मी जी, ससुर जी गुस्सा नहीं कर, वो सुबह से ऐसी सारे केसे सारे मम्मी जी। हाँ ससुर जी, पानी में नहीं पिलाऊंगा। नहीं, पानी नहीं। ससुर जी को ना बहुत गुस्सा हो गया, अब आप जाइए।
जाएं, 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 जाओ। ये बताएं कि भाभी कैसी है। जी जी वो तो बहुत खुश है कि औरतों के हुकूक के लिए काम हो रहा है। वेरी गुड, तो बड़ी अच्छी बात है। लीजिए चाय पिए। मम्मी जी खाना लगा दूं या थोड़ी देर के बाद? थोड़ी देर के बाद। तनी बेगम ये क्या है, ये दोनों कौन हैं? ये लड्डू है मेरा शौहर। मगर ये नौकरों की तरह काम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ये लोग तो ऐसे ही काम करते हैं, इन्हें आदत है। अरे हमारा तो रोज का काम है दुमदार साहब। दिलावर नाम है मेरा। माज़ूर चाहूंगा दुमदार, दिलदार साहब, मम्मी जी खाना मैं थोड़ी देर के बाद लगा दूं। हाँ हाँ हनी, जाओ फाइल लेकर आओ जो हमने बनाई थी ना। ठीक है। अब लड्डू, लड्डू वो जो मैंने फाइल रखवाई थी ना तुमसे, जल्दी जाओ जाके लेके आओ। जाओ जी, अभी लेकर आता हूँ। चाय लीजिए। तानी बेगम आपके शौहर नजर नहीं आ रहे। अरे वो जो अभी चाय रख कर गए थे वो ही तो है मेरे शौहर गुलाम। क्या तो दिलावर साहब एनजीओ का फाइनल करें। एनजीओ तो फाइनल तो मैंने कर लिया। क्या वाकई? जी, और बहुत सोचने के बाद। हाँ हम लोगों ने ना बहुत मेहनत किया आपके लिए। जी वही तो मैं देख रहा था, फिर मैंने अपना फैसला बदल लिया। क्या फैसला बदल दिया दिलावर साहब? यही कि एनजीओ जरूर बनेगी। एनजीओ जरूर बनेगी मगर मर्दों के हुकूक के लिए। क्या? गुलाम, लड्डू। मगर क्यों दिलावर साहब? जो मैंने यहाँ पे आके देखा तो मैंने अपना फैसला बदला, अब ये मेरा आखिरी फैसला। वाह क्या बात की है दिलावर साहब। हेलो जी 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 बेगम जी जी मैं 10 मिनट के लिए निकला हूँ बाहर, वो मैं आके इस्त्री कर दूंगा। जी 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 अरे मैं पैंपर भी लेता हुआ आ रहा हूँ। अरे 10 मिनट के लिए जरा निकला था, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं वो भी मैं आके सुनूंगा। अब बजाओ तालियां। तुम वहां खड़े होके मांगो, हम लोग यहाँ खड़े होके मांग रहे हैं। मेरे पास ना मेरी अपनी आइसक्रीम है। ये तो बता तेरी बेगम की है या तेरी? लड्डू को मछुआरा दे रही हूँ। लाडो को है? लाडो? अबे लड्डू तूने नाम भी बदल लिया यार। लगता है आपने मुझे पहचाना। ये सुनिए माफी चाहता हूँ, मेरा भिखारियों में उठना बैठना नहीं है। ये लो 500 रुपए। 500 रुपए? तो इस बेचारे को कुछ दे दो। तानी बेगम ने इसको ठुड्डे मार के घर से निकाल दिया है। आपने तो शेड्यूल ही बताना शुरू कर दिया ना। ये तो कुछ भी नहीं जी, पुलिस को देख के तो लोग अगला शेड्यूल भी बता देते हैं। पूरे मार्केट का भीख जो हम खुद खा जाएंगे। ये लाडो मैं गुलाबो तू गुरु। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं। गुलाम साहब अब मैं समझा यहाँ पे क्या चक्करबाजी चल रही है। मैंने तो तुम्हें वो वहाँ पे सड़क में अच्छा ना, बस बस हो सकता है कि हमारा वहम हो। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां, घर का मां, घर का मां।